बिहार के गया से देश की प्रसिद्ध नर्तकी गायिका रही जद्दन बाई का गहरा संबंध रहा है। जद्दन बाई फिल्म अभिनेता संजय दत्त की नानी थी। आज भी गया में जद्दन बाई के नाम से हवेली मौजूद है। इस हवेली में रईसों की महफिल सस्ती थी और जद्दन बाई के ठुमरी गायन और नृत्य के एक से बढ़कर एक लोग यहाँ आते थे। जद्दन बाई के इसी महल के पास जफर नवाब का महल था जो अब जमींदोज हो चुका है, लेकिन जद्दन बाई को दी गई हवेली आज भी मौजूद है। जद्दन बाई संजय दत्त की नानी और नरगिस की माँ थी। जानकार बताते हैं कि जद्दन बाई की माँ दलीप बाई तवायफ थी। जद्दन बाई को विरासत में संगीत नृत्य मिला था। जद्दन बाई जब ठुमरी गायन करती थी तो राजा राजवारे रईस मंत्रमुग्ध हो जाते थे। जद्दन बाई का एक महल आज भी गया शहर में मौजूद है, लेकिन इस महल की यादें जद्दन बाई के नाम से ही चमक उठती है। देश की प्रसिद्ध ठुमरी गायिका जद्दन बाई के इस महल में आने वाले यहाँ आकर मन्नत मांगते हैं। इस तरह आज भी लोगों के लिए यह महल एक जिंदा स्वरूप है। लोग यह भी बताते हैं कि इस महल के सामने खड़े होकर मांगी गई मन्नत भी पूरी होती है। जद्दन बाई का बनारस कोलकाता के साथ साथ गया से भी बड़ा रिश्ता रहा है। गया में जद्दन बाई को संगीत के जो गुर मिले, जद्दन बाई गया घराने से भी जुड़ी थी। उसके ठुमरी गायन नृत्य के कद्र करने वाले रईस प्रसिद्ध राजा राजवाड़े के वंशज भी थे। कई प्रसिद्ध राजाओं के वंशज जद्दन बाई के महल में ठुमरी गायन और नृत्य देखने आते थे। गया में जद्दन बाई के कई साल बीते। हालांकि समय बीतने के साथ जद्दन बाई प्रसिद्ध भारतीय गायिका और अभिनेत्री भी बनी। देख रहे हैं जो कि अभी ये खंडहर का रूप ले चुका है। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध, समझ जाइए कि ये जद्दन बाई एक नर्तकी थी और एक बहुत ही प्रसिद्ध संगीतकार थी जिनका ये महल था और ये अभी खंडहर का रूप ले चुका है। और एक सुप्रसिद्ध अभिनेत्री नरगिस दत्त की वो माँ हुआ करती थी और संजय दत्त की वो नानी थी। और टिकारी महाराज से भी बहुत सारे लोग उनका यहाँ कार्यक्रम नृत्य का, संगीत का देखने के लिए आया करते थे। डाइट संलग्न डाइट का डाइट है, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के कैंपस है और यहाँ पर जो है सो जो खंडहर है वह जफरुद्दीन नवाब जैसा लोग कहते थे, मेरे आने के बाद लोग कहते थे उसी आधार पर हम बता रहे हैं कि जो जद्दन बाई का ये महल था जफरुद्दीन नवाब का, तो यहाँ पर मुजरा वगैरह होता था और फिर राजा का महल आगे था जहाँ पर दरबार लगता था और पीछे में रानी का महल था। फिल्म अभिनेता संजय दत्त भी कहते हैं कि गया से हमारा गहरा नाता है, गया हमारा ननिहाल है और इसका बड़ा उदाहरण जद्दन बाई का महल है जो आज भी मौजूद है। इसकी देखरेख नरगिस ने काफी समय तक की, लेकिन अब देखरेख के अभाव में यह बड़ी विरासत अब अपना अस्तित्व धीरे धीरे खोने लगी है। ऐसे धरोहरों को कहीं ना कहीं संजो कर रखने की जरूरत है। गया घराने से जुड़े पंडित राजेंद्र सिजवार बताते हैं कि जफर नवाब बड़े संगीत प्रेमी थे। यही वजह है कि जफर नवाब की हवेलियों के बीच में जद्दन बाई की हवेली आज भी मौजूद है जो कि उनके द्वारा जद्दन बाई को दी गई थी। कि जद्दन बाई की माँ तवायफ थी, पहले संगीत तो तवायफों के पास रहते थे। इस जमाने में ठप्पा ठुमरी की कदर करने वाले होते थे। संगीत तो तवायफों के घराने से विकसित हुआ, गया इसका केंद्र रहा और जद्दन बाई यहाँ कई सालों तक रही। जद्दन बाई को जफर नवाब जो गया के बड़े रईस रहे नवाब थे, उनकी हवेलियाँ हैं जो आज के डेट में डाइट का ऑफिस और डाइट में का जो पढ़ाई लिखाई है वहाँ चलता है, उनकी हवेली में ही वहीं वो रहा करती थी। और पहले जफर नवाब ने उनको गया जी में लाया और वो भी नवाब साहब भी बड़े अच्छे हारमोनियम प्लेयर रहे अपने ज़माने में और संगीत के बड़े पोषक और संगीत प्रेमी थे। तो उसी सिलसिले में जद्दन बाई को यहाँ प्रश्रय मिला, संगीत सीखने का उनको मौका मिला। उसके बाद गया घराने के बहुत अच्छे हारमोनियम प्लेयर जो उस्ताद से स्वर्गीय पंडित माधवलाल कटरिया जी के दरबार में भी उनके सानिध्य में भी बहुत दिनों तक वो रहीं और शाम की बैठकी हुआ करती थी तो उनका संगत उनको हारमोनियम से मिला जिनसे उन्हें उनकी गायकी में और निखार आया। और उसके बाद वो बम्बई गई, फिर वो सीनियर आर्टिस्ट भी बनी।
उस ज़माने में सीनियर एक्ट्रेस गाया भी करती थी, जैसे मधुबाला और सुरैया और भी कई ऐसी एक्ट्रेस हुई जो गाना भी बहुत बखूबी गाया करती थी।